कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक तरंग का अध्ययन करेंगे और हम आज शुरू करेंगे अपना पाठ एक। पाठ का नाम है नया टीचर। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम एक चित्र पर आधारित गतिविधि करेंगे। बच्चों, क्या आप इन्हें जानते हैं? तो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, तो वो आपसे पूछ रहे हैं क्या आप इन्हें जानते हैं। मुझे पता है सब बच्चे इन्हें जानते हैं। यह चित्र किसका है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन का, जिनका जन्म 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्मदिन 5 सितंबर को होता है और 5 सितंबर का दिन हम सब लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके विषय में इंटरनेट द्वारा जानकारी प्राप्त कर 5 वाक्य लिखो। तो बच्चों, आप अपने घर में अपने बड़ों की सहायता से या इंटरनेट की सहायता से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर 5 वाक्य लिखेंगे। कविता प्रवेश। कविता में एक नए शिक्षक की बात की गई है जो घर में आया है। यह शिक्षक कौन है और क्या करता है, इस कविता द्वारा जानते हैं। तो बच्चों, हम जो कविता पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, उसमें क्या है? एक नए शिक्षक, शिक्षक मतलब टीचर की क्या हुई है, बात की गई है, जो घर में नया आया। तो देखते हैं यह शिक्षक कौन है और क्या करता है। चलिए पढ़ते हैं, आइए शुरू करते हैं। घर में नया एक टीचर आया, इसने सबको खूब लुभाया। क्या कह रहे हैं कि घर में एक नया टीचर आया है और इसने सबको खूब लुभाया है। अनोखे हैं इसके रंग, देख सभी रह जाते दंग। इसके रंग ढंग क्या है? बहुत अनोखे हैं और जो इसे देखता है वो दंग हैरान रह जाता है। अंग्रेजी और गणित पढ़ाता, सही गलत का ज्ञान कराता। वो क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी और गणित, और सही और गलत का ज्ञान कराता है। मुझको तो यह बहुत ही भाता, जब चाहूँ तब खेल खिलाता। तो वो क्या कह रहा है बच्चा कि मुझको तो ये बहुत भाता है, बहुत पसंद है, जब चाहूँ, जब मैं चाहता हूँ ये मुझे खेल खिलाता है। दिन हो या रात, यह देता मेरा साथ। वो कह रहा है कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो मेरा साथ देता है। पापा का भी काम कराता, भैया जी का मन बहलाता। कितना अच्छा टीचर है जो पापा का भी काम कराता है और भैया का मन बहलाता है। टीचर का क्या नाम है भाई, यह कंप्यूटर है मेरे भाई। तो वो क्या कह रहे हैं कि टीचर का क्या नाम है? वो कह रहे हैं इस टीचर का नाम है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है, हमारा काम जल्दी करता है, और क्या पढ़ा रहा है वो बच्चों को? अंग्रेजी और गणित। कठिन शब्द, टीचर, ज्ञान, अनोखे, चाहूं, अंग्रेजी, कंप्यूटर, गणित। तो ये सब क्या थे? पाठ के आधार पर कुछ कठिन शब्द थे। अब हम अध्ययन करेंगे शब्दार्थ का। लुभाना, लुभाना किसे कहते हैं? लुभाना का अर्थ है आकर्षित करना, बहुत पसंद आना। कोई चीज़ अगर हमें बहुत आकर्षित करती है, बहुत पसंद करती है, उसे हम लुभाना भी कहते हैं। अनोखा, अनोखा का अर्थ है सबसे अलग। दंग, हैरान हो जाना। ज्ञान, जानकारी, किसी चीज़ की नॉलेज। मन बहलाना मतलब मनोरंजन करना।
कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा का प्रोसेस करता है और जानकारी प्रदर्शित करता है। अब हम पाठ के आधार पर अभ्यास करेंगे। बात पाठ की, मुख से बताओ क्या पढ़ा। आपको बताना है कि आपने क्या पढ़ा। घर में कौन आया? घर में कौन आया था? एक टीचर। टीचर ने घर आकर क्या किया? टीचर ने घर आकर काम किया। क्या काम किया? पापा का काम में मदद करी, भैया का मन बहलाया, अंग्रेजी और गणित पढ़ाया। कविता का शीर्षक बताओ। कविता का क्या शीर्षक था? नया टीचर। प्रश्न दो, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है और आपको सही विकल्प चुनना है। टीचर पढ़ाता है, टीचर क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी, गणित, वे दोनों कुछ नहीं। आपने अभी अपनी कविता में पढ़ा टीचर क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी, गणित। तो तीसरा विकल्प सही है जिसमें लिखा है पहला और दूसरा दोनों चीजें सिखाता है। नंबर दो, घर में आया, घर में कौन आया? मेहमान, टीचर, शेर या दोस्त? घर में आया नया टीचर। टीचर का नाम है, क्या नाम है टीचर का? सोहन, मशीन, कंप्यूटर या मोहन? तो टीचर का नाम है कंप्यूटर। प्रश्न तीन, वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको उनको पढ़ना है। अगर वो सही है तो सही का चिन्ह लगाइए, गलत है तो गलत का चिन्ह। पहला वाक्य है टीचर हिंदी पढ़ाता है, यह वाक्य गलत है। टीचर क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी और गणित। टीचर पापा जी का काम करता है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। टीचर पापा जी का भी काम करता है। टीचर सही गलत का ज्ञान कराता, यह वाक्य भी बिल्कुल सही है। टीचर सही और गलत का ज्ञान कराता है। टीचर का नाम सोहन है, यह वाक्य गलत है। टीचर का नाम कंप्यूटर है। टीचर का उपयोग लाभकारी होता है, यह वाक्य बिल्कुल सही है। प्रश्न चार, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो प्यारे बच्चों, आप एक बार पुनः इस कविता का अध्ययन करेंगे और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको यह कविता? आशा करती हूँ आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।